नमस्कार उत्तराखंड, स्वागत करती हूँ आपका आज की क्यू एन ए की वीडियो में। और क्यू एन ए की वीडियो के लिए बहुत सारे लोगों ने वेट किया है, जिस किसी ने भी मुझसे सवाल पूछा है, तो माफ़ी चाहती हूँ पहले तो, क्योंकि वीडियो शूट नहीं कर पाई मैं, मतलब प्रॉपर समय नहीं मिल पाया मुझको। और कल शाम को जैसे मुझे वीडियो शूट करनी थी क्यू एन ए की, तो वो भी मैं कल शाम किसी कारण से नहीं शूट कर पाई। अभी मॉर्निंग में जल्दी जल्दी जो है मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियोज़ को रेगुलर देखते हैं और अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। प्लीज़ इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट मुझे दीजिएगा। और जो मेरी वीडियोस को आज पहली बार देख रहे हैं, उनसे बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्योंकि हमारे चैनल पे 95% लोग यस छी ना, जो हमारे वीडियो को देखनी तो सही पर उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा। जब आप सब लोग हमारे वीडियो को इतना पसंद कर चाह, अगर मेरे वीडियो को देख चाह, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने में के जाना, चैनल को सब्सक्राइब ले कर दियो। तो थोड़ा आप कुमाऊनी भाषा ला बुलूल, क्योंकि मुझे बहुत कमेंट होनी, सच में हद है ज़्यादा कमेंट हुई कि तुम पहाड़ी छे तो अपन पहाड़ी भाषा को बुलाओ, अपन व्लॉग में पहाड़ी भाषा बुलाओ, ठीक छे। तो जैल मुझे पहाड़ी भाषा में कमेंट कर रहा हूँ, मैं पहाड़ी भाषा में ही उत्तर दूँ। तो क्यों मैंने वीडियो को शुरू करने से पहले, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं गोपाल सिंह जी, उन्होंने बोला था कि मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा वीडियो में। तो ये आर्मी बॉर्डर से हैं और ये मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, वैसे अल्मोड़ा के हैं। तो धन्यवाद गोपाल सिंह जी, आप जो है मेरी वीडियोस को देखते हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं। और पर गोपाल सिंह जी ने ये कमेंट ऐसा कर दिया था कि इनको ये नहीं पता कि मेरी शादी हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि मेरी दोनों भतीजियों को इन्होंने मेरी बेटियां बना दी थी। ऐसे मेरी भतीजियां मेरी बेटियों से कम भी नहीं है, लेकिन अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और जो कम्युनिटी में मैसेज आए हैं, उनके साथ साथ मैंने कुछ वीडियो से कमेंट उठाए हैं जो मुझे लगता है जिनका उत्तर मुझे देना चाहिए। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि आप कहाँ से हो, कहाँ रहती हो और आपके गांव का नाम क्या है, तुम कहाँ रचा कहाँ बटी छा। मतलब ये सवाल जो है ना, मुझे पहाड़ी में भी आया है, पहाड़ी भाषा में भी आया है और हिंदी में भी आया है, और इतने अनगिनत, मतलब मैं इनकी कोई गिनती नहीं है। तो नाम मैं किसी का भी यहाँ पर नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अगर किसी का नाम छूट जाएगा ना तो वो बुरा मान जाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको ऐसे ही जवाब दे देती हूँ। तो मैं भावना मेरा उत्तराखंड कुमाऊँ के अल्मोड़े ज़िले की रहने वाली हूँ, और अल्मोड़े ज़िले के अंतर्गत एक गाँव आता है छाती भोरा गाँव, तो हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन हमने जो है खैरना कालिका मंदिर के पास जो है अपना प्रॉपर घर बना लिया, तो हम लोग वहाँ पे रहते हैं और गांव में मेरी ताई जी और मेरे ताऊ जी रहते हैं। तो ये है आपके पहले सवाल का मेरा पहला जवाब। दूसरा आता है, सवाल आता है हरीश पंजी का। हाय भावना, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? प्रणाम। मौसम कैसा है? मौसम अच्छा हो रहा है, क्योंकि कल शाम से हमारे वहाँ पे ना बारिश हो रही है। कोविड में क्या प्रिकॉशन ले रही हूँ? कोई प्रिकॉशन नहीं ले रही हूँ, घर पे हूँ, बस सुरक्षित हूँ। वैक्सीन लगवा ली, वैक्सीन अभी नहीं लगवाई है, क्योंकि आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी, उसमें जो है मैंने बताया है कि 18+ वालों को अभी वैक्सीन नहीं लग रही है, और जिन्होंने एक डोज लगवा लिया है उनको जो है दूसरी डोज 84 डेज़ के बाद लगनी है। इम्यूनिटी के लिए क्या खाती हूँ मैं? ना कुछ भी नहीं खाती हूँ, जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, क्योंकि झूठ बोल के आपको तसल्ली तो मैं दे दूँगी, लेकिन झूठ बोल के मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी। बस मैं जो है हल्दी वाला दूध पीती हूँ शाम को, और जो भी पानी का सेवन करती हूँ उसमें जो है तुलसी की कुछ बूंदे डाल लेती हूँ और वैसे पीती हूँ। आपकी कास्ट क्या है ये मैंने बता दिया है। तुम्हारे ब्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं, धन्यवाद। मैं ब्लॉग्स आपको भल लगनी, डांस वीडियो भी शूट करना, तेरे कन में डबल झुमका, तो ना डांस वीडियो आप शूट नहीं कर सकूँ। और किले के मगर पता चलो कि पहाड़ी गीतम ले अब सिद्ध हमको कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाना, ये वजल के हूँ कि हमारे चैनल में प्रॉब्लम है जी। और तुम्हारे गाँव से रानीखेत कितना दूर है? 30 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारे गाँव से रानीखेत। तुम्हारा कुमाऊनी में बोलना अच्छा लगता है, भल लागे छे। आपको मेरी पहाड़ी भाषा समझ में ही नहीं हूँ, किले की हर कहकर पहाड़ी भाषा जो है ना अलग अलग ही। तब पहाड़ी रीति रिवाज का अखिल बढ़ू छा हो या अखिल बढ़ो कोशिश करणु भे, ब्याह कब करे ली? ब्याह जब भल भल चल मिल जल तब कर लूल और तुमको निमंत्रण दूल, और एक बार गाँव के मंदिर के दर्शन करा दो, कभी एक ब्लॉक गोलू देवता मंदिर का भी बना देना। जब अपूर्ण गाँव में जुलमैन है तब जरूर मैं आपको गाँव मंदिर दर्शन करूँ, और गोलू देवता मंदिर का व्लॉग जब मैं कभी अल्मोड़ा या घोड़ाखाल जाऊँगी तो वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ललित रावत जी ने मुझसे पूछा है, भावना भूली मेरा सवाल छू कि तुम्हारे दिमाग में यह कसिक आ कि मैं यूट्यूबर बनूँ? मेरे दिमाग में कहीं बटी नहीं आ कि मैं यूट्यूबर बनूँ, बस मेरे बहनी जो मेरे नैन बहन छी वो मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स करा, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे
मोटिवेट करा कि तू यूट्यूब में अपन चैनल खोल और अपन व्लॉगिंग स्टार्ट कर कर बे। बस मेरी प्रेरणा मेरी बहन है जी, ज़्यादा भी नाम नहीं लेने जान के लेकिन वो सराज नहीं के ना वहाँ पर मुझे डाल है जी वी नाम ले बेर कि लेकिन वी वो मैं बहुत याद कर लूँ। और तुम्हारे घर में और कतु लोग रहनी? हमारे घर में एल वर्तमान में चार लोग रहनी, मैं, मेरे भाई, मेरे पापा, मेरे मम्मी, उसी हम तीन बहनी छू, एक मेरे बैठुल दी छू एक ब्याह हैगो और मेरे एक नैन बहन छू एक ब्याह हैगो और बीचक छू मैं। और तुम्हारी उम्र कतुक छू? मेरी उम्र 27 साल छू। और लास्ट सवाल छू कि तुम भविष्य में के बनने करने की सोच रहे? आगे मैं भावना जी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप जीवन में जो भी कुछ भी करो उसमें बहुत तरक्की करो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। तो धन्यवाद भैया जी, तुम उनका आशीर्वाद दी और बस अपना आशीर्वाद इससे बनाए रखिया। और भविष्य में मैं मतलब एल्थ में वर्तमान में जो है प्राइवेट स्कूल में एक टीचर छू और मैं एक आगे कंटिन्यू करूँ और इस साथ साथ जो है मैं अपना यूट्यूब चैनल के लिए आगे कंटिन्यू करूँ, बस एल्थ में लिए तो सोच रहे मैं। और संजय बिष्ट जी पूछते हैं कि यूट्यूबर के लिए माइक स्पीकर अच्छा लेना है आपको। तो संजय जी मैं ना यूट्यूब के लिए अभी तो फिलहाल कोई माइक और स्पीकर यूज़ नहीं करती हूँ और क्योंकि मेरी आवाज़ ही बहुत ज़्यादा तेज है इसीलिए, और भविष्य में अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो लेंगे। हिमांशु जी ने सवाल करा है कि ग्रोथ करने के लिए और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहिए, आपको वो क्यों नहीं करती हो? पहले बात तो जो है मुझे सोशल मीडिया में एक्टिव रहना पसंद नहीं था, बस मेरी बहन ने मुझे फोर्स किया, मोटिवेट किया, तब जाके मैंने यूट्यूब में अपना चैनल ओपन किया और आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके सामने हूँ और अपनी बहन की वजह से हूँ। और सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म मैं यूज़ नहीं करती, चाहे वो ऐप भी हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, मतलब मेरी कहीं भी किसी भी मतलब आईडी नहीं है। लक्ष्मण सिंह जी ने पूछा कि फेवरेट प्लेयर कौन है? MS धोनी है। और सिंगर और रैपर तो कोई भी नहीं क्योंकि मेरे को उतना टाइम नहीं मिलता और ना ही मैं टीवी देखती हूँ और झूठ मैं बोल नहीं सकती। जीवा जोशी जी ने पूछा है मुझसे, दीदी आप कौन से गांव से हो और आप मुझे बताएं कि चैनल कैसे ग्रोथ करते हैं प्लीज़। और ऐसा ही एक सवाल मुझसे पूछा है पहाड़ी हरीश जोशी ने, मतलब दोनों का क्वेश्चन सेम है कि मैम चैनल आगे कैसे बढ़ाएं, वीडियोस अच्छी बना रहा हूँ फिर भी बहुत कम बढ़ रहे हैं सब्सक्राइब पर, प्लीज़ हेल्प। तो बस मैं आप दोनों से यही कहना चाहूँगी, जीवा जोशी और पहाड़ी हरीश जोशी जी से, कि आप अगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में एक्टिव हैं तो आप अपना रेगुलर वर्क करें। जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको उतना बता रही हूँ क्योंकि मुझे YT के बारे में भी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। और पेशेंस रखें, बस आप वीडियोस अगर डाले हैं तो पेशेंस रखें, कभी भी आपकी वीडियोस वायरल हो सकती हैं तो आपको जो है आपका चैनल ग्रो होगा और उसके साथ साथ जो है आपकी मतलब सब्सक्राइबर भी आएंगे और हमारी बिल्ली चलेगी आगे को सब्सक्राइबर भी आएंगे और आपके चैनल पे जो है अच्छे व्यूज़ भी आएंगे। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं होता कि हम लोग अगर अच्छी वीडियोस बना रहे हैं तो हमें व्यूज़ ही मिल जाएं, क्योंकि कभी कभार जो है बहुत ख़राब ख़राब वीडियोस भी जो है वायरल हो जाती हैं, तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी भी अभी की एक महीने पहले से ही मेरी वीडियोज़ जो है वायरल हो रही हैं, तो उससे पहले भी मेरी भी ऐसी व्यूज़ आते थे, तो बस मैंने पेशेंस रखा है। और कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे जो है अच्छे व्यूज़ आएँ, मैं तो इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डाल रही हूँ, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा, बस मैंने अपना काम करते रही हूँ और आज जो है मुझे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है बस। और संजय नेगी जी ने सवाल किया है अपनी हॉबीज़ पसंद और नापसंद के बारे में और कुछ बचपन की बातें। हॉबीज़ मतलब शौक मुझे किस किस चीज़ का था? मुझे स्पोर्ट्स गेम में बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है, और मतलब शौक मुझे हर किसी चीज़ का है, मतलब मैं स्कूल टाइम से ही मेरा मन करता था कि कोई भी अगर प्रोग्राम्स हो या कोई भी कंपटीशन हो मैं हर किसी में जो है पार्टिसिपेट करती थी, चाहे मैं निकलूँ या ना निकलूँ, मतलब इन सब चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक था, हर चीज़ को मैं हर कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट ज़रूर करती थी। पसंद और नापसंद मुझे समझ में नहीं आया ये किस चीज़ के लिए पूछा जा रहा है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में नापसंद होती हैं। और बचपन की बातें तो कुछ ऐसी है नहीं मेरी, और इन्होंने मुझे और भी कमेंट्स किए थे संजय नेगी जी ने, आपको अपने फ्यूचर लाइफ पार्टनर में क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए? सच्चा इंसान ये होना बहुत ज़रूरी है। और भी सवाल किए थे उन्होंने मुझसे, आपकी कोई अच्छी आदत और कोई बुरी आदत के बारे में बताओ। मेरी अच्छी आदत ये है कि मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, और बुरी आदत ये है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है।
और लक्की जी ने मुझसे पूछा है अपनी कुछ वीडियोस के ना आपके कुछ वीडियोस के एड्स आने लगे हैं तो क्या आपका अकाउंट मोनेटाइज हो गया। जी हाँ, मेरा अकाउंट जो है मोनेटाइज हो गया है 5 मई को। पहाड़ी गैंगस्टर जी मुझसे पूछते हैं वीडियो के लिए कैमरा यूज़ करते हो या फ़ोन, अगर फ़ोन तो कौन सा। हाँ, मैं वीडियोज़ बनाने के लिए अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ और मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी M31S फ़ोन है जो मैंने फ़िलहाल ही मैं अभी नया लिया है। प्रदीप बिष्ट जी पूछते हैं आपके कितने सब्सक्राइबर हैं और आपके नेम के पीछे क्या आता है, जैसे कि बिष्ट रावत या नेगी। मेरे पास अभी जो फैमिली जुड़ी हुई है वो है 4K की फैमिली, और कास्ट जो मेरी क्या है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और शायद बस जो मेरे कम्युनिटी में मैसेज किए हैं वो शायद इतने ही मैसेज किए हैं। नहीं, एक और है, एवरीथिंग ऑनलाइन भैया जी ने मुझे एक मैसेज किया है कि भूली यूट्यूब में सक्सेस मिल जाएगी तो क्या करने की सोची है। तो सबसे पहले तो प्रणाम भैया और धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं एवरीथिंग ऑनलाइन भैया जी का, क्योंकि मुझे यूट्यूब में अगर कोई भी दिक्कत आती है या मुझे कुछ भी पूछना होता है तो मैं इनसे हेल्प लेती हूँ और ये हमेशा मेरी हेल्प करते हैं। तो अगर मुझे सक्सेस मिल जाएगी ना यूट्यूब में तो ये बहुत अच्छी बात है, बस मैं यूट्यूब के माध्यम से अपना नाम कमाना चाहती हूँ और बस लोग ये कहे कि हाँ भाई उत्तराखंड कुमाऊँ में भी एक ब्लॉगर है, पहाड़ी ब्लॉगर भावना पहाड़ी करके, बस मुझे जो है अपना नाम कमाना है। और इन फ्यूचर में अगर मुझे यूट्यूब से इनकम मिलती है तो मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि मैं ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करूं अपने इनकम से, अपने यूट्यूब के इनकम से। और यूट्यूब चैनल भी मैंने इसी मतलब एम से खोला है कि मैं ज़रूरतमंद लोगों की जो है मदद करूंगी अपने मतलब यूट्यूब की इनकम से। फिर अब आते हैं सवाल जो मुझसे वीडियोस में पूछे गए थे। प्रताप बिष्ट जी ने पूछा है कि खैना से रानीखेत और खैना से ताड़ीखेत और खैना से अल्मोड़ा का डिस्टेंस मुझे ज़रूर बताना। तो खैना से अल्मोड़ा 33 किलोमीटर है और खैना से रानीखेत 30 किलोमीटर, और खैना से ताड़ीखेत जो है शायद 35 या 40 के आसपास होगा, क्योंकि मैं ताड़ीखेत गई नहीं हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं पता है, और आई थिंक इतना ही होगा। मोहित के ब्लॉग्स पूछते हैं कि आप अपना वीडियो किस में एडिट करते हो। तो हाँ, बहुत लोग पूछते हैं वैसे मुझसे ये कि आप अपनी वीडियोस किस में एडिट करते हो, तो मैं ना काइन मास्टर में एडिट करती हूँ अपनी वीडियोस को। और जगदीश रावत जी पूछते हैं क्या आप कोई कुमाऊनी प्रोग्राम या एक्टिंग भी करते हो क्या। नहीं, उन्होंने मुझे जो मैंने डांस किया था ना छम छम बाजली हो उस पे मुझे कमेंट किया था ये, तो मैं ना कोई कुमाऊनी प्रोग्राम और एक्टिंग वगैरह नहीं करती हूँ। वैसे मेरा बचपन से शौक था कि मैं पहाड़ी गानों में डांस वगैरह करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। चलो कोई बात नहीं। रेखा जीना जी और चंद्रा कनवाल जी का मेरे से एक सवाल था कि आप अपना होम टूर दें, तो बहुत जल्दी मैं होम टूर दूंगी, जब मुझे थोड़ा फ्री समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको होम टूर दूंगी। दीपक नैनीताल जी ने मुझसे पूछा, कमेंट किया था मेरी कुमाऊनी बोली पर कि ऐसी वॉइस जो है ना, मतलब ऐसी बोली जो है कुमाऊनी नहीं है। तो आपको एक बात बताती हूँ कि आप कहीं भी जाएंगे ना तो आपको कुमाऊनी बोली में हर जगह पे अंतर देखने को मिलेगा। तो हमारी कुमाऊनी बोली ऐसी ही है जैसे मैंने बोला था कुमाऊनी बोली वाले व्लॉग्स में, आपके वहाँ शायद अलग हो, तो सबके उसमें डिफरेंस होता है। तो बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, अगर आपको मेरी भाषा समझ में नहीं आई तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। पहाड़ी लाइफस्टाइल जी कहते हैं कि दी क्या आप अपनी वीडियोज़ को FB और इंस्टा में भी डालती हो। नहीं, सिर्फ वीडियो बनाती हूँ और सिर्फ यूट्यूब पर डालती हूँ और कहीं मैं नहीं डालती, क्योंकि मैं एक्टिव ही नहीं हूँ। तो इतने सारे जो है मेरे ये सवाल थे जिनका जब सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। और बसंत नयाल जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझसे पूछा था और इनका क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो बसंत नयाल जी प्लीज़ आप वेट करिएगा। और जिस किसी का भी अगर मैं नाम भूल गई हूँगी ना तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आपको कुछ भी अगर और पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कमेंट करें और मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगी। और इसी के साथ अपनी वीडियोस को यहीं पर ही एंड भी करते हैं और मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय।